हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। मैं आई टेक इंस्टीट्यूट से, मैं आज आपको आप लोगों को बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन प्रैक्टिकल हार्डवेयर के बारे में। आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग, बेसिक रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, हर प्रकार के कंपोनेंट के बारे में तो सीखा है, मगर आज मैं बताऊँ ना आप लोगों को, ये हार्डवेयर में काम करना अच्छे से नहीं आता है ना, तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है कि मतलब जैसे जम्पर है, कंपोनेंट को हटाना लगाना, इस प्रकार से कैसे कैसे आपको काम करना है जो हार्डवेयर में आपका हैंड स्किल मजबूत करता है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में सबसे पहले शुरुआत आप लोगों को आज करना है, जैसे कि आयरन चलाना। तो आयरन कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको आयरन चलाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको जम्पर लगाना। तो जैसे मैं आप लोगों को एक सिलेबस की तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लो आपको नंबर एक में जैसे कि माइक्रो जम्पर लगाना। दूसरी बात आयरन चलाना। तीसरे में आपको जैसे कंपोनेंट को हटाना लगाना। ट्रेसिंग में आप लोग देख तो लेते हो कि रजिस्टर को हटाना है, मगर वो आईसी के बगल में लगा रहता है। अब आपको कैसे बचा के हटाना है, क्योंकि अगर आईसी को थोड़ा भी हिट जाता है ना, तो सीपीयू आईसी है, पेस्टेड आईसी, अगर उसको हिट थोड़ा भी गया ना, तो वो क्या करता है कि आईसी हिट जाती है और कंपोनेंट के तो आपको छोटा सा एक कंपोनेंट हटा दोगे और आपका काम सही हो जाएगा, मगर आपको अगर अच्छे से हटाना लगाना नहीं आता है ना, तो भैया आपका फ़ोन जो चालू भी था ना, जैसे लोगों में आ रहा है, अब उसको कंपोनेंट के माध्यम से वो लोगों में है, अब कंपोनेंट को हटाना है और वो पावर आईसी के, सीपीयू आईसी के, किसी भी मेन आईसी के बगल में लगा है, अब आपको अच्छे से हटाना लगाना नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँ ना कि फ़ोन डेड हो जाएगा, तो आपको कैसे कंपोनेंट को हटाना है, कैसे लगाना है, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कॉइल हो, चाहे डायोड हो, कैसे कंपोनेंट को काम करना है, हैं। तो चौथी बात आपको मैं बताऊँ जैसे कि टच को काटना। OCA करना। OCA ग्लास चेंज करना। जब ये सब आप लोगों का हो जाता है तो सब बाद में आता है आपको अच्छे से कि आईसी को हटाना लगाना। पहली बात तो आईसी को पहचानना, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप चाहे भी कोई भी वीडियो उठा लो कि मदरबोर्ड में कौन सी कहां पर पीसीबी है, हज़ारों लाखों वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हो, मगर आपको आईसी हटाने लगाने में, अब वो आईसी को हटाना लगाना। हैं ये चीज़ें, अब आईसी में चाहे जो हो, चाहे वो डबल टेकर आईसी हो और चाहे वो पेस्टेड आईसी हो, चाहे नॉन पेस्टेड हो, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो, कोई भी आईसी हो, मैं आपको बताऊंगा हटाना लगाना, ठीक है। तो ये होता है, तो ये आपका सिलेबस है जो प्रैक्टिकल का है। तो मैं आज आप लोगों को ये प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में बताया, और मैं आपको कल से आपको यहाँ जम्पर से शुरू करूँगा, और आपको आयरन चलाना है, जम्पर कैसे अच्छे से, अच्छे तरीके से, कैसे एकदम साफ सुथ अच्छे से जम्पर लगाएं कि दूसरा कंपोनेंट या दूसरे कंपोनेंट में ना टच करे, इससे फ़ोन में शॉर्ट सर्किट ना हो, कैसे फ़ोन में जम्पर लगा के बाद में क्लीन करना है, बाद में फ़ोन को पैक करना है, क्योंकि आदमी जम्पर तो लगा देता है, मान लो कोई काम कर दिया फ़ोन में और फ़ोन को ऐसे पैक कर दिया, उसका ना पेस्ट हटाया ना कुछ हटाया, क्योंकि देखो जम्पर लगाता है तो वो पेस्ट भी लगाता है, कुछ भी करता है और फ़ोन को पैक कर दिया, और उसमें होता है वोल्टेज चलता है फ़ोन में, पूरा मदरबोर्ड जब काम करता है तो फ़ोन में वोल्टेज चलता है हर जगह, अब वो पता नहीं कौन सी जगह पर जम्पर लगा के रखा उसने, कोई डिस्प्ले का जम्पर लगाया कहीं से भी, तो डिस्प्ले का जम्पर अब उसमें ज़्यादा वोल्ट से 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट करंट रहता है, और उसको ऐसे ही दबा के लगा दिया, आज तो फ़ोन चल गया, कस्टमर भी खुश, तुम्हें कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, मगर बाद में क्या होता है कि वो 10 दिन चलता है, 5 दिन बाद में वो जम्पर गर्म होता है, दूसरे फ़ोन का कंपोनेंट दूसरा कोई गर्म हो जाए और उस जम्पर में टच कर जाए, और फिर वो फ़ोन शॉर्ट हो जाता है, फिर फोन अब 10 दिन बाद फ़ोन कोई ख़राब हो गया,
कोई कस्टमर अगर तुम बता ना डेड फोन को सही किया या तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही कैसे भी जुगाड़ करके, तो आपने जंपर को तो फिट कर दिया कोई बात नहीं, मगर अब वो 10 दिन बाद वो फ़ोन ख़राब हो जाता है और कस्टमर ने आपको 500 रुपये दिए हैं। अब वो क्या करेगा, 500 रुपये 10 दिन का, तुम 10 दिन में ख़राब हो गया तो वो तुम्हारे पास तो वापस आएगा ना। इसलिए आपको कैसे क्या करना है, साफ़ सफाई से उसको कैसे आयरन चलाना है, कौन से एंगल में चलाना है, कि जैसे कि 45 अंश में उसको चलाते हैं, इसे आपको बोलते हैं कि आयरन चलाना। और फिर कंपोनेंट को हटाना लगाना, कितना हीटिंग होडगन का, कितना हीटिंग मैनेजमेंट रखना है, ये सब आपको बताया जाएगा। इसे टच को कहाँ से आपको कटिंग वायर लगाया जाएगा, कि कटिंग वायर को कहाँ से लगाएं, कितनी आराम से लगाएं, कितनी ताकत लगाएं कि हमारा काम्बो ना कटे। क्योंकि आजकल कस्टमर मालूम है आता तो है, आदमी बता देता भैया काम्बो चेंज करना है, 1% का रिक्स है, 2% का रिक्स है, ये रिक्स का है को बोलना, हमको खुद कटिंग के टाइम में पता चल जाए कि भैया ये हमसे सही से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, हमको ये देखना है। अगर मैं कौन कौन सी कंडीशन है कि आपको फ़ोन का डिस्प्ले का वो कटेगा ही नहीं, हाँ कुछ कंडीशन होती है जिसमें डिस्प्ले कटने का रिक्स होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, मगर कितनी कौन कौन सी पोजीशन है। मगर अब ऐसा नहीं कि थोड़ा भी चटका तो बोल दो भैया रिक्स है, अब वो कस्टमर क्या करेगा, वो भाग जाएगा भैया दूसरे यहाँ करा लेगा, और दूसरे को तरीका पता है तो वो रिक्स नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है भैया हम कर देंगे तुम्हारा, कस्टमर गया ना तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि अब तुम भी करते तो तुमसे भी नहीं करता, मगर क्या है कि आप अंदर डर है कैसे करना है ये नहीं पता आपको। तो टच को कैसे कटिंग करना है, ओसीए ग्लास कैसे, ओसीए कैसे चेंज करना है, ग्लास को ओसीए वाला ग्लास कैसे फिटिंग करना है, उसमें फिटिंग करना है। आप लोगों को मैं बताऊँ ना कि अगर आपको अच्छे से टेम्पर लगाना आता है ना तो आप ओसीए ग्लास को भी पंच कर सकते हो, हैं तो ये ओसीए ग्लास कैसे लगाना है, मगर मैं आपको बताऊँगा। और ये आईसी को हटाना लगाना कैसे, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, या तो नॉर्मल आईसी और डबल टेकर आईसी, अभी तक मार्केट में आई ना डबल टेकर तक आई हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको और कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि मोहित सर हैं, मोहित सर को 5-7 साल हो गए रिपेयरिंग करते करते, और आज मैं आपको बताऊँ मोहित सर का हैंड स्किल इतना तगड़ा है, इतना जबरदस्त, जिसका जवाब नहीं। अगर आप जितने भी मेरे पास स्टूडेंट सीखते हैं, कम से कम मोहित सर सुबह शाम तक 50-60 स्टूडेंट का, बच्चों का प्रैक्टिकल लेते हैं और एक एक करके प्रैक्टिकल कराते हैं, उन बच्चों को भी सिखा करके भेजते हैं जो बिल्कुल आज तक किसी ने आयरन नहीं पकड़ा। और आज मोबाइल फोन के पेस्टेड आईसी, डबल डेकर आईसी, या मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करना, टच चेंज करना, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मोहित सर ने जो आपको सिलेबस बताया ना दोस्तों, बहुत तगड़ा सिलेबस है, और यूट्यूब में आपने पूरा दुनिया जान में सबने मोबाइल फोन का फॉल्ट का है, आईसी को बदलते रहने का है, कंपोनेंट को निकाल के लगाने का, इस तरीके का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन आज सर ने जो आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ ना, ये प्रैक्टिकल का पूरा सीरीज हम लोग निकाल लें, ताकि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल जीरो हैं, जो घर पे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आपको मात्र कुछ पैसा खर्चा करना है, 1,500 रुपये खर्चा करना ना, उसके बाद आयरन, चिमटी, मल्टीमीटर, कहिया, ये ऐसा छोटा मोटा सामान खरीद लो बाजार से। और सर आपको जो प्रैक्टिकल दे रहे हैं ना, प्रैक्टिकल का अगर सर का तुमने 15 वीडियो देख लिया, तो आप मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करेंगे, टच चेंज करेंगे, काम्बो चेंज करेंगे, 70% रिपेयरिंग, जो दोस्तों फिजिकली डैमेज होने से 70% प्रॉब्लम आती है, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, चुटकियों में मोबाइल फोन को ठीक करोगे। तो ये दोस्तों बहुत तगड़ा सिलेबस है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में, जंपर लगाना, आयरन को चलाना, आयरन को दोस्तों को आयरन नहीं चलाना था, मैं आपको बताऊं, अगर आप रिपेयरिंग लाइन में जाना चाहते हैं ना, क्या आयरन चलाना तो बहुत हल्का खेल है, हमने पकड़ लिया, चलाना सीख लिया। मैं आपको बताऊं, अच्छे से अच्छे लोग पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन पेन पकड़ना नहीं जानते, वो सही से लिखना नहीं चाहते। नहीं, अगर सही से लिखना चाहते तो आप अपने राइटिंग को एक बार कॉपी में लिखिए, और मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूँ, आपसे अच्छा भी लिखने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्यों, क्यों तुम बेकार हो गया, तुम्हारा हैंड स्किल बेकार है क्या, तुम्हारा हैंड स्किल कुछ नहीं बेकार है, बस तुम्हारा प्रैक्टिस में कमी है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल चालू मोबाइल फोन में काम करने वाला है, कि जंपर लगाना, आयरन को चलाना, कंपोनेंट को निकालना लगाना, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, स्पीकर, रिंगर, माइक, टच काम्बो, उनको कैसे निकाल के लगाया जाता है, टच को काटना, टच को कैसे काटा जाएगा, टच कैसे अलग किया जाएगा, मार्केट में तो 50% रिपेयरिंग इसी का है, टच ग्लास काम्बो उसी है, इसी का काम है, तो टच को काटना, ओसीए को काटना, ओसीए ग्लास को चेंज करना, आईसी को निकालना लगाना। तो मोहित सर ने आपको बहुत तगड़ा सिलेबस दिया है,
वीडियो को देखते रहें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और ये मैं आपको हार्डवेयर क्लास का प्रैक्टिकल का वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें सर आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सीखने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल में सर को रिवर्स करिए कि आपको जो वीडियो में देखा आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो भी आप संपर्क करिए। और आप पूरा 15 दिन का गारंटी के साथ मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल सीखिए और 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च करिए। सीखने से पहले आयरन, कहिया, चिमटी, मल्टीमीटर, ये सारा पेचकश कहीं से खरीद लाइए। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा सामान कितने रुपए का आता है, समथिंग 700-800 रुपये का सामान आता है, 1000 रुपये का इतना सामान खरीद लीजिए। और घर पे सर का पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, फिर दिल में तसल्ली करिए कि मैं सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता। अगर आप कुछ काम करना सीख जाते हैं तो सीखने की कोशिश करना, नहीं सीखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ 6391711711, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहें। और एक एक करके मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।